Assalamu alaikum wa rahmatullah. I have another story about my life, जो कि एक again life changing story है. और वो story ये है कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इस चीज़ की इतनी समझ नहीं थी कि बैत क्या होती है और किसी पीर के हाथ पर बैत करना. एक जामे में पढ़ती थी, मुफ्ती साहब ने कन्वेंस किया, मैं कन्वेंस हो गई और मैंने बैत कर ली. अच्छा जी, मैंने पूछा बैत क्या होता है, एंड ही डिस्क्राइब्ड कि बैत के बाद आपके लिए मैं दुआ करूँगा तो दुआएं कबूल होंगी और मैं आपको हर सूरत अपने साथ जन्नत लेके जाऊंगा, ये वो पता नहीं क्या, पर नथिंग वॉज लॉजिकल. सारी चीज़ें मीठे मीठे भाइयों वाली और मुसलमानों वाली बातें थी जो कि लॉजिक से बहुत दूर थी. सो आई थॉट के ठीक है, कर लिया मैंने उनके साथ. अच्छा पुश्राम, ये हर बंदे की लाइफ में होता है. कभी हम इबादत बहुत जोर से कर रहे होते हैं, कभी हम बड़े कूल एंड काम हो जाते हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं. तो सबकी ज़िंदगी में ये चीज़ होती है, मेरी ज़िंदगी में भी थी. कभी बहुत ज़्यादा होती थी, कभी थोड़ी कम हो जाती थी. और समटाइम्स ऐसा भी होता था कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती थी चीज़ों को लेकर. तो एक दफ़ा मुझे मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने ना आपकी कैफियत को मैं समझता हूँ. मैंने कहा क्या मतलब? मैं जानता हूँ आजकल आपकी कैफियत ठीक नहीं है और गुनाहों को आप ज़्यादा जगह दे रही हैं, ये वो इस तरह का. मैं टोटली शॉक्ड, मुझे इतना सदमा लगा, मतलब पूरी क्लास के सामने मुझे ये बात बोल रहे हैं. मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर शॉक हो गई कि अच्छा जी ऐसा है, तो फिर ज़रा मैं अल्लाह ताला से बात कर लूँ. तो मैं घर गई और मैं जब रात को तहज्जुद पढ़ रही तो मैंने अल्लाह ताला से बोला, क्या मेरी कैफियत का आपके अलावा किसी तीसरे बंदे को भी पता है? मतलब क्या हम दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन है? मैंने कहा ये मैं नहीं मान सकती, और अगर ऐसा है तो फिर मैं तुझे नहीं मानूंगी. और मैं बहुत गुस्से में थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चूंकि सिंगल सिस्टर थी, भाई थे बहन नहीं थी, और एक मेरे फादर की बहुत बड़ी नेकी कि उन्होंने ख़ानदान से बहुत दूर रखा. वो चाहते थे कि तालीम का असर हो, मेरी तरबियत का असर हो, रिश्तेदारों का असर ना हो मेरे बच्चों के माइंड पर, एंड उन्होंने ये किया. तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और अकेले रहने की वजह से मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ऐसा था कि मैं अल्लाह ताला को डायरेक्ट बोलती थी कि ये आपने किया है या आपने नहीं किया, आपने ऐसे ना किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी. और यही मेरा ताल्लुक आज तक है अल्लाह के साथ. तो मैं इत्मीनान ही ना आए मुझे कि मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरे और अल्लाह के बीच में एक तीसरा बंदा है जो मेरी कैफियत को जानता है. अल्लाह कहता है दिलों का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता. ये वो टर्निंग पॉइंट था कि मेरा उस बंदे के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हुआ टोटली. और ट्रस्ट इसलिए खत्म हुआ कि हु आर यू, मेरे और अल्लाह के बीच में तुम कौन हो जिसको मेरी कैफियत का पता है. और फिर मेरी वो बैत भी खत्म हुई, वो ड्रामा भी खत्म हुआ. नोबडी नोज अबाउट योर सेल्फ एक्सेप्ट अल्लाह. अल्लाह जानता है आपके दिल में क्या चल रहा है, अल्लाह जानता है आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, अल्लाह जानता है आपके फ्यूचर में क्या होगा. और अगर कोई ये दावा करे कि मैं तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ हूँ तो ये मुमकिन ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप खुद अपने मुंह से इकरार करें कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है. और अगर आप नहीं करते हैं और फिर भी कोई ये दावा करता है तो वो झूठा है. ये इनके टैक्टिक्स हैं जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अल्लाह ताला उनको बहुत जजाए खैर दे कि उन्होंने मेरी इतनी सारी क्वेरीज को हल किया है, मेरे इतने मसलों को हल किया है कि मैं तो बाय गॉड इस बंदे को दुआएं दूंगी. क्योंकि मैं 10 साल से इन सब चीज़ों की कश्मकश में थी कि ये मौलवी ये उलमा जो दीन बता रहे हैं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता. अल्लाह ताला ने कोई ना कोई भेजना था, एंड दैट वाज हिम, एंड थैंक्स टू हिम. तो इसलिए अगर कोई आपको इस तरह का झांसा देने की कोशिश करे तो इस तरह के झांसे में ना आए. अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने के लिए तीसरी किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है. हज़रत अली ने अपने बच्चों को भी मना किया था कि अल्लाह